हाय, मेरा नाम है दानिश और मैं हूँ एक फोटोग्राफर कम फिल्म मेकर। बचपन में मगर मैं कुछ और बनना चाहता था, वो क्या है मुझे भी नहीं पता था। कन्फ्यूज्ड? लेट मी एक्सप्लेन। बचपन से लेके बड़े होने तक काफ़ी लोग आपको मशवरे देते हैं। और क्या आपसे कभी किसी ने कहा है कि बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बन जाओ, स्कोप बहुत है? अगर हाँ तो फिर आपकी भी कहानी कुछ इस पेंसिल की तरह है। ये है एक पेंसिल और बिल्कुल इस पेंसिल की तरह आपके पास भी एक लाइफ टाइम है। शुरू में आप बहुत होते हैं शार्प और कुछ सीखने के लिए आपको करनी पड़ती है प्रैक्टिस। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया प्रैक्टिस मैंने खूब की। कभी स्कूल जाके ABC 1 2 3 सीखी, साइंस फिजिक्स और केमिस्ट्री भी सीखी, और ये सब पढ़ने के बाद मैं कन्फ्यूज़ होने के साथ साथ बहुत ही घिस चुका था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लोग थे बहुत और उनसे ज़्यादा थे उनके मशवरे। इंजीनियरिंग करो बेटा, बहुत स्कोप है, बहुत इज्जत मिलेगी। भाई इज्जत विज्जत का तो पता नहीं मगर घिसाई बहुत हुई। ग्रेजुएशन के 6 महीने पहले मैंने डिसाइड किया कि इनफ इज़ इनफ, मुझे अपनी कहानी खुद लिखनी है। और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम डिसीजन था क्योंकि उसके बाद मुझे मिला YouTube। YouTube का पहले से पता था मगर फॉर ड्रामेटिक पर्पसेस, यू नो। तो अगले 5 साल फिर मैंने ये सब किया। जर्नी में आप वो काम अकेले नहीं कर सकते और ये सब काम मैंने अकेले नहीं किया। आई हैड लॉट ऑफ हेल्प। अम्मी से थोड़ा उधार लेके मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की इस कैमरे से। ये था मेरा 5D Mark III जिससे मैंने सारी फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, अपने सारे ख्वाब किए पूरे। फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों ने मेरी काफ़ी मदद की एंड देन आई वॉज एबल टू मेक माई ओन स्टूडियो 3 साल बाद। ब्रो एक सवाल है, तुम जिंदगी में अगर कुछ भी बन सकते तो क्या बनते? मैं अच्छा इंसान बन पहले बनता। ओए ओए ओए, क्या जवाब दिया भाई ने, क्या जवाब दिया। तो यार पॉलिटिकली करेक्ट जवाब तो मैंने दे दिया लेकिन ये सीरियसली प्रोफेशन वाइज क्या चुनते आप? यार मेरा पैशन यही था कि मतलब फील्ड से रिलेटेड, मतलब फोटोग्राफी मेरी फील्ड थी तो मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूँगा। यार देखिए ऐसे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, तो जो लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, वो अपने मनपसंद काम कर रहे हैं, तो कुडोस टू यू, कुडोस टू यू। बात सिंपल है, आपकी जिंदगी आपकी कहानी, पेंसिल। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल इस पेंसिल की तरह होती है कि आप काम करते करते घिस जाते हैं। इससे पहले ये ख़त्म हो उसको यूज़ करें अपने बेनिफिट के लिए। शुरू में मुश्किलात होते हैं, मुझे भी हुए थे, नुकसान भी काफ़ी हुआ, लोगों ने इस्तेमाल भी काफ़ी किया। ब्रो यार वो मेरी शादी हो रही है यार, तू फोटोग्राफी करेगा मेरे लिए? बेटा वो एक छोटी सी वीडियो एडिट करनी थी, अगर आपके घर आके एडिट कर लूँ तो कोई मसला तो नहीं है ना? यार 1000 रुपये में लोगो बना देगा? काम किए बहुत सारे लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आखिर में व्हेन ऑल इज सेट एंड डन, जब आपकी ज़िंदगी बच जाती इतनी, तो आप फिर सोचते हैं काश मैं वो कर लेता, काश मैं ये कर लेता। चाहे आप इंजीनियर बनना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, आर्टिस्ट बनना चाहें, म्यूजिशियन, कारपेंटर, लॉयर, स्पोर्ट्स एथलीट, फिटनेस गुरु बनना चाहें, जो भी बने, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज के वो आपकी जर्नी है एंड नोबडी शुड टेल यू अदरवाइज। चाहे वो आपके दोस्त हों, घर वाले हों, कोई भी हो, लोग कहते रहेंगे, तो इससे पहले कि आपकी ज़िंदगी हो ख़त्म, थोड़ा जी लें।